सतपुड़ा भवन भोपाल में हुई मीटिंग में दतिया मेडिकल कॉलेज को 80 करोड़ की लागत से नए छात्रावास एवं आवास के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। इसके बनने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स को रहने और स्टाफ को काफी सुविधा होगी। उन्हें अस्पताल के पास ही आवास की सुविधा मिलेगी ताकि वो अधिक से अधिक समय अस्पताल में दे सके। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर दिनेश उदेनिया ने बताया कि दतिया मेडिकल कॉलेज नेशनल हाईवे पर स्थित है एवं आसपास आवास की सुविधाएं भी कम है, इसलिए जो पीजी स्टूडेंट है उन्हें अस्पताल के लिए पास में ही आवास की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि उनकी 24 घंटे ड्यूटी होती है, जिसको लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा था जो कि स्वीकृत हो गया है एवं बजट स्वीकृत होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 150 छात्र हैं, इसमें हमने 70 छात्राओं का गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे और 80 लड़कों का छात्रावास बनाएंगे। इसके अलावा हम अपने जो हमारी फैकल्टी है नर्सिंग की भी अब भर्ती हो चुकी है, नर्सिंग के भी लोग आ गए हैं और फैकल्टी भी अब बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा 80 JRSR हमारे पास जो पहले नहीं थे, अब वो यहाँ पे दतिया में ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको भी रहने के लिए चाहिए, तो हम उनके आवासीय क्वार्टर भी बना रहे हैं। और इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट छात्र के लिए भी ये हॉस्टल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वर्तमान में हॉस्टल बने थे वो 100 बच्चों के हिसाब से बने थे, बाद में 20 सीटें और बढ़ाई गई, तो अब हमारे 5 साल हो गए हैं, तो 5 साल के हिसाब से 100 का एक बैच और तैयार हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास रहने में दिक्कत आ रही है उनको। तो एक UG हॉस्टल बच्चे बच्चियों का, एक PG हॉस्टल बच्चे बच्चियों का और आवासीय निर्माण अपने फैकल्टी और नर्सिंग के लिए। तो ये टोल मिला के टोटल बजट इसमें 80 करोड़ का खर्चा आ रहा है, जो हम आगामी समय में निर्माण कार्य चालू कर सकेंगे। बजट स्वीकृत होने के बाद पीजी छात्रावास में छात्रों के लिए 70 कक्ष एवं पीजी छात्रावास में छात्राओं के लिए 80 कक्ष बनेंगे। 80 कक्ष MBBS छात्रों के लिए, 80 कक्ष MBBS छात्राओं के लिए बनेंगे। वहीं लगभग 150 अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, दतिया।